मालाड के बीएमसी अधिकारी क्यों हो गए हैं इतने भ्रष्ट? करने लगे हैं लाखों रुपए की डिमांड और पैसा नहीं दिया तो जमीन से तोड़ देते हैं मकान। कि तुम्हारा घर बनाना रोड की साइड है, तुम 5 लाख रुपए दो तभी तुम। रंजीत पाटिल सर का नाम दिए है मैम, और 3 लाख रुपए नहीं दिए उन्होंने, जबरदस्ती, मतलब घर पे कोई भी मौजूद भी नहीं था, खाली बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे। और कौन है हरीश जैन और हरीश जैन का गैर कानूनी अवैध कारोबार से क्या है संबंध? मुंबई के मालाड इलाके में अवैध निर्माणों में पैसा लगाकर पैसों को दुगुना करने का काला धंधा यहां जोरों पर है। यहां के भ्रष्ट मनपा अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ अवैध कॉन्ट्रैक्टर दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हरीश जैन जैसे कारोबारी अवैध निर्माणों पर पैसे लगाने का काम करते हैं। मनपा अधिकारियों को यहां रिश्वतखोरी की ऐसी लत लग गई है कि पैसा नहीं मिलने पर दिन दहाड़े लोगों के मकान जमीन से ध्वस्त कर दे रहे हैं। कि तुम्हारा घर बनाना रोड की साइड है, तुम 5 लाख रुपए दो तभी तुम। रंजीत पाटिल सर का नाम दिए है मैम, और 3 लाख रुपए नहीं दिए उन्होंने, जबरदस्ती, मतलब घर पे कोई भी मौजूद भी नहीं था, खाली बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे, और ना कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कि मतलब किसी को ये भी नहीं अलर्ट किया कि हम लोग घर तोड़ने आए, और अंदर काम करने वाले लोगों को निकाला, और साथ ही साथ हमारा लाइट का पूरा बॉक्स ऐसी है, करंट भी चालू था, वो करंट बॉक्स का मीटर का बटन भी नहीं बंद किया, और ऐसी करंट भी चालू, ऐसी डेमोनेशन कर दिया। और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो पहुंचने के बाद भी हम उन्हें रोक रहे कि सर रुको, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, तुम तोड़ रहे किस लिए, हमारा पूरा पेपर वर्क है, तुम हमें नोटिस भी नहीं दिया और कैसे तोड़ रहे हो, तो भी नहीं रुक रहे। और हम लोग को बोल रहे तुम लोग को भी पुलिस स्टेशन लेके चले जाऊंगा, ये कर दूंगा, अरेस्ट कर दूंगा। देखा आपने किस तरह कनिष्ठ अभियंता रंजित पाटिल ने 5 लाख रुपए नहीं देने पर गरीब परिवार का मकान ध्वस्त कर दिया और 2 लाख रुपए गबन भी कर गए। लेकिन मालवनी के आजमी नगर जुलूसवाड़ी माउंट मेरी स्कूल के पीछे वार्ड क्रमांक 33 में रियाज खान स्थानीय आमदार का नाम लेकर 6,000 स्क्वायर फीट में ग्राउंड प्लस 2 महले का अवैध निर्माण कर रहा है। इस अवैध निर्माण के बारे में बताया जाता है कि मनपा पी उत्तर विभाग के सहायक अभियंता सागर राणे, कनिष्ठ अभियंता रंजित पाटिल और मुकादम हेनराय गोंसल्विस ने लगभग 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है। यहां मनपा अधिनियम के तहत नोटिस निकालकर पैसों की वसूली हुई है, जबकि 10 मई को जारी नोटिस के आधार पर तोड़क कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लेकिन यहां तो रिश्वतखोरी का सेटलमेंट हो गया है। रिश्वतखोरी भी ऐसी कि दाग से बचने के लिए यहां इस्तेखार शेख को मनपा अधिकारियों ने निजी तौर पर चाइना मुकादम नियुक्त किया है, जो पिछले दिनों लोगों के हाथों पीटा गया था। देखें इस्तेखार की पिटाई वाली तस्वीर। बताया जाता है कि हरीश जैन रियाज खान के अवैध कारोबार में पैसे लगाकर पैसों को डबल करने का काम कर रहा है। झांत हो कि मुंबई में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों को साथ लेकर रियाज खान जैसे अवैध कॉन्ट्रैक्टर अवैध बांध काम का कारोबार कर रहे हैं। यहां भोली भाली जनता को ऊंचे दामों पर अवैध गाले और मकान बनाकर बेच दिया जाता है, जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर पड़ता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां मालाड के मालवनी इलाके में बेनामी संपत्ति की खरीदी बिक्री दिन दहाड़े कर दी जाती है, जहां मालिक का कोई आता पता नहीं। उस प्रॉपर्टी को खरीदता कोई है, बेचता कोई है, और लेने वाला कोई और ही निकलता है। बेनामी संपत्ति खरीदने के लिए ऐसे लोगों के नाम पेपर बनाए जाते हैं जिसे उस जमीन से कुछ लेना देना ही नहीं होता। पेपर की ऐसी चैन बना दी जाती है कि अगर गलती से प्रॉपर्टी का सही मालिक सामने आ भी जाए तो उसे मालिकाना हक साबित करने के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो जाता है। इसकी पूरी जानकारी स्थानीय नेताओं और मनपा के अधिकारियों को होती है, लेकिन आंख मूंद कर भ्रष्ट अधिकारी यहां अवैध निर्माण कराकर अवैध ठेकेदारों को अवैध कारोबार करने का मौका देते हैं। मनपा के चाइना मुकद्दम इस्तेखार शेख से स्थानीय हर पार्टी के नेता क्यों डरने लगे हैं?
दिन दहाड़े यहाँ क्षेत्र में घूमकर पैसों की डिमांड की जाती है। तेरा काम नहीं होएगा बोला ना, तो अच्छे मुंबई में किसी से भी करा ले, कौन से बड़े डॉन से करा, तेरा काम नहीं होएगा। मतलब यहाँ तक कि आम लोग इसको पीट भी दिया करते हैं। उसके बावजूद स्थानीय हर पार्टी के नेता अब तक क्यों खामोश है? कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि चुनावी माहौल है, इसका जवाब स्थानीय नेताओं को जरूर मिलेगा। यहाँ मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों और हर काले कारोबार में स्थानीय नेताओं का बराबर का हाथ है। तभी तो यहाँ गरीबों से मकान को बनाने के लिए लाखों रुपए की डिमांड की जाती है और समाज की सेवा करने का दम भरने वाले नेता खामोश हैं। हमारे इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज की तरफ से मालाड BMC के भ्रष्ट कारोबार का खुलासा करने की जिम्मेदारी ली है। मालाड के पी उत्तर विभाग में कार्यरत किन किन अधिकारियों ने भ्रष्ट कारोबार से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है और कहां कहां से पैसों की वसूली की है, आने वाले दिनों में इसका काला चिट्ठा जनता के सामने हम जरूर लाकर रहेंगे। इसके साथ ही मनपा प्रशासन को महसूल का यहां कितना नुकसान हुआ है, इसका भी खुलासा जरूर किया जाएगा। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।